नई वीडियो। तो देखिए, आज जो प्लान है इसमें हमने क्या क्या रखा है। यहाँ पर जो है वेस्ट साइड, यहाँ पर ईस्ट, ऐसा है बिल्डिंग का डायरेक्शन। उसके बाद हम इसका जो साइज 24 फीट, और इधर जो साइज है 50 फीट। ओके, इसका आज बिल्डिंग प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो वॉल है उसको मार्क करेंगे, उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। हमने ये जो प्लॉट का साइज, ये जो बिल्डिंग का साइज आप देख रहे हैं यहीं पर, क्यों हमने कहाँ पर क्या क्या रखा है, इसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो आप उसके डिटेल्स इस बिल्डिंग प्लान में आपको मिल जाएगा, और आप उसका डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है इसमें, क्यों हमने यहाँ पर रखा है और कितना साइज है उसका, टोटल कॉस्ट कितना है बिल्डिंग का, कहाँ पर आपका कॉलम और कहाँ पर आपका बीम, सब कुछ आएगा। इसका डिटेल्स हम आज दिखाएंगे इस बिल्डिंग प्लान में। तो कॉलम एंड फाउंडेशन का साइज़ कितना है, सब कुछ हम लिख के इधर आपके साथ आज शेयर करेंगे इस बिल्डिंग प्लान में, ठीक है। तो चलिए डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, पहले जो हमने बताया था, तो वॉल का तो कंप्लीट हो गया, लगता है कंप्लीट टोटली, ठीक है। उसके बाद डोर एंड विंडो तो आपको दिखा, यहाँ पर तो आपको दिखा है विंडो आपने। तो उसके बाद हम करेंगे डोर का मार्क, डोर कहाँ पर है। डोर जो हम, ये जो हम यहाँ पर अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ये डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन में डोर ओपन यहाँ पर होगा, तो इसका डायरेक्शन यहीं पर हमने दिखाया डोर के थ्रू। तो यही है इसका डोर। डोर कंप्लीट होने के बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, अभी शेयर करेंगे डोर। यहाँ पर जो है मेन गेट, ओके, इधर से स्टार्ट होना है गेट। इधर हमने रखा है 4 फीट 6 इंच गेट। इधर एक बरामदा हमने रखा है, बरामदा, तो इसका हमने जो लेंथ रखा है 11 फीट 3 इंच, और इधर हमने रखा है 5 फीट। ओके, यहाँ पर है हमने एक टॉयलेट रखा है 5 फीट 7 इंच का, और इधर जो है 5 फीट का टॉयलेट। ओके, यहाँ पर हमने एक बेडरूम रखा है। ओके, इसका साइज हमने रखा है 11 फीट 6 इंच। यहाँ पर हमने रखा है 12 फीट। ओके, तो उसके बाद हमने यहाँ पर, तो डोर है यहाँ पर, जो स्टेयर है इसका आप इधर से स्टार्ट कर दिया, तो आने के बाद यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस रखा है 3 फीट 6 इंच का डिस्टेंस है, ठीक है। और इधर का जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है हमने रखा है इधर 9 फीट 4 इंच। ओके, और इधर जो हमने रखा है 14 फीट, टोटल जो रखा है 18 फीट। यहाँ पर हमने ड्राइंग हॉल यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर और एक बेडरूम। ओके, इसका साइज हमने रखा है 11 फीट 6 इंच। इधर इधर हमने रखा है 10 फीट। आउटसाइड इनसाइड जो वॉल है 5 इंच का वॉल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर आएंगे बाथ एंड लेट्रिन, यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है 6 फीट का, और इधर हमने रखा है 7 फीट 8 इंच का, ठीक है 7 फीट। यहाँ पर हमने रखा है और एक बेडरूम, बेडरूम तो इसका साइज हमने रखा है इधर 10 फीट, और इधर हमने रखा है 11 फीट 3 इंच। यहाँ पर हमने रखा है किचन,
और इसका जो साइज हमने रखा है इधर 11 फीट 6 इंच, और इधर जो हमने रखा है 8 फीट। ओके, यहाँ पर हमने रखा है डाइनिंग, तो इसका साइज हमने जो रखा है इधर 16 फीट 9 इंच, इधर जो रखा है 9 फीट 8 इंच। ओके, 16 फीट 9 इंच टोटल है, ठीक है। तो इधर जो मेज़रमेंट तो आपको मिल गया है, तो उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे इसका जो कॉलम पोजीशन है, तो कॉलम को हम शेयर करेंगे। तो देखिए कॉलम या जो भी है यहाँ पर हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर भी कॉलम, यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इधर है कॉलम, इधर करेंगे कॉलम, तो उसके बाद हम इधर कॉलम प्रोवाइड करेंगे, इधर इधर इधर। देखिए हमने एक लाइन पे कॉलम को रखा है, इधर इधर करेंगे, इधर और इधर, ठीक है। कॉलम प्रोवाइड करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर जो हमारा जो फाउंडेशन है उसका हम यहाँ पर ऐसे ही ऐसे रखेंगे, ठीक है। जो फाउंडेशन ऐसे यहाँ पर रखेंगे, फाउंडेशन का पार्ट। तो ये जो फाउंडेशन हम रखेंगे उसके बाद फाउंडेशन का साइज़, कॉलम का साइज़ कितना आएगा, हम यहाँ पर आपके साथ लिख के शेयर करते हैं, ठीक है। ये जो बिल्डिंग प्लान है अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी 24 फीट × 50 फीट का बिल्डिंग प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर कितना स्क्वायर फीट हुआ, तो दोस्तों इधर 1200 स्क्वायर फीट का प्लान है, ठीक है। उसके बाद इसका जो कॉलम साइज यहाँ पर 10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम साइज, ओके। और यहाँ पर जो फाउंडेशन साइज इसका, ये जो फाउंडेशन है इसका साइज 5 फीट बाई 5 फीट का, और डेप्थ इज इक्वल टू 5 फीट, ठीक है, ऐसा है। तो इसका जो कॉलम रेनफोर्समेंट, कॉलम रेनफोर्समेंट इसका 4 नंबर्स आप 16 mm टॉर यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, 4 नंबर्स। और जो यह इसका जो कॉलम का जो स्टीरअप है ये 8 mm का आप कर सकते 150 सेंटर टू सेंटर, ठीक है, स्टीरअप यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते। तो इसमें जो डिटेल्स हमने टेक्निकल बात आपके साथ शेयर कर दिया, तो आप देखिए एक बार, तो इसमें जो आपको मिलेगा सब कुछ, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस प्लान को देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर ख़त्म करते, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।